तो वहीं भारत ने अपना पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट RH-UMI-1 लॉन्च किया। चेन्नई के थिरुविधई से मोबाइल लॉन्चर के जरिए रॉकेट की लॉन्चिंग हुई। रॉकेट को तमिलनाडु बेस्ड स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया और मार्टिन ग्रुप ने मिलकर बनाया है। हाइब्रिड रॉकेट RUMI-1 के जरिए 3 क्यूब सैटेलाइट और 50 PICO सैटेलाइट को सफलतापूर्वक सब ऑर्बिटल ट्रैजेक्टरी में स्थापित किया जाएगा। ये सैटेलाइट ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से जुड़े रिसर्च के लिए डेटा इकट्ठा करेंगे। RH-UMI-1 रॉकेट जेनेरिक फ्यूल बेस्ड हाइब्रिड मोटर और इलेक्ट्रिकली ट्रिगर पैराशूट सिस्टम से लैस है। रॉकेट को रीयूजेबल पर फोकस करते हुए खास तरह से डिजाइन भी किया गया है। हाइब्रिड रॉकेट RH-UMI-1 में इको फ्रेंडली और कॉस्ट इफेक्टिव मैनेजमेंट है। इसमें CO2 ट्रिगर पैराशूट सिस्टम भी लगा है। इसकी मदद से रॉकेट के कंपोनेंट सुरक्षित समुद्र पर वापस लैंड कर सकते हैं। इससे अंतरिक्ष लॉन्च की लागत भी कम होगी। रॉकेट के कंपोनेंट्स को आसानी से रिकवर किया जा सकता है। रॉकेट का एयर फ्रेम कार्बन फाइबर ग्लास फाइबर से बना है।